घरेलू क्रिकेट में लगातार रनों की बारिश करने वाले सरफराज खान को आखिर टीम इंडिया में जगह मिली तो सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस ने अपने खुशी का इजहार किया और सरफराज को बधाइयां दी। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले टीम इंडिया को दोहरा झटका लगा। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और बेहतरीन बल्लेबाज केएल राहुल इंजरी की वजह से दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए। रणजी मैचों में लगातार रन बनाने वाले सरफराज खान को अभी तक टीम सिलेक्टर अनदेखा करते रहे, लेकिन अब जब रविंद्र जडेजा और केएल राहुल टीम से बाहर हुए तो अब सरफराज खान को दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। सरफराज को टीम में चुने जाने के जैसे ही खबर सामने आई तो सोशल मीडिया एक्स पर क्रिकेट फैंस ने अपनी खुशी का इजहार किया और सरफराज को ढेर सारी बधाइयां दी। मुफद्दल वोहरा नाम के एक एक्स यूजर ने अपने एक्स अकाउंट पर सरफराज खान के फोटो के साथ लिखा कि भारतीय टेस्ट टीम में आपका स्वागत है सरफराज खान, तमाम मेहनत के बाद आखिरकार सरफराज को पहली कॉल मिल गई। जोन्स नामक एक यूजर ने लिखा कि सरफराज खान भारतीय टेस्ट टीम में शामिल, इंतजार हुआ खत्म। हाइड्रोजन एक्स नाम से एक एक्स हैंडल से ट्वीट कर लिखा गया कि कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे टेस्ट के लिए योग्य सरफराज खान को बुलाया है, एक सच्चा कप्तान यही करता है। तो वहीं रत्नीश नामक एक यूजर ने लिखा कि आखिरकार सरफराज खान भारतीय टेस्ट टीम में शामिल हो गए, उसके लिए खुशी की बात है, उम्मीद है कि वह अच्छा करेगा। जबकि अर्पित वर्मा नाम के एक यूजर ने सरफराज के फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि तमाम कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार सरफराज को पहली बार टीम इंडिया से कॉल आया। सरफराज को टीम इंडिया में शामिल करने को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।